पटवारी की गला रेतकर हत्या करने के मामले में पुलिस ने उसकी पत्नी को भी हत्या की साजिश रचने के जुर्म में गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। पुलिस एक आरोपी को पहले ही पकड़ चुकी है। सोनकच्छ तहसील के पटवारी नीरज पिता कमल सिंह परते निवासी अर्जुन नगर आदागंज की 10 दिसंबर को अनिल कुमार सरयाम निवासी ग्राम गेलपुर थाना उमरावगंज जिला रायसेन ने चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी थी। नीरज को एक ढाबे पर शराब पिलाने के बाद अनिल बाइक पर बैठाकर उसे भोपाल रोड स्थित जॉन डियर फैक्ट्री के सामने पुलिया पर ले गया था और वहीं उसकी हत्या कर दी गई। पुलिस ने सरगर्मी से तलाश करते हुए 24 घंटे में आरोपी अनिल को भोपाल से गिरफ्तार कर लिया था। पुलिस को पटवारी की पत्नी पर भी शक था, इसलिए उन्होंने नीरज की पत्नी रचना और आरोपी की कॉल डिटेल निकलवाई। इसमें पता चला कि हत्या के पहले और बाद में दोनों के बीच कई बार बात हुई। जांच में ये भी पता चला कि दोनों ने अपनी चैटिंग भी मोबाइल से डिलीट कर दी थी। मंगलवार को पुलिस ने रचना को थाने बुलाकर पूछताछ की तो उसने पहले तो जानकारी नहीं होने की बात कही, लेकिन जब पुलिस ने उन्हें कॉल डिटेल दिखाए तो उसने पति की हत्या की साजिश रचने की बात कबूल ली। पुलिस ने उसे न्यायालय में पेश किया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। देखिए, जो पटवारी की हत्या की थी उसकी पत्नी और उसके परिचित व्यक्ति ने की थी, दोनों ही आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। इसमें जो सबूत एकत्रित किए जा रहे हैं कि किन किन कारणों से हत्या की गई थी और आगे फिर उसको चालान पेश किया जाएगा। सर, क्या हत्या क्या मतलब क्या कारण था हत्या का? अवैध संबंधों को लेकर ये हत्या बेसिकली की गई थी। जो अभी उसकी शादी हुई थी पटवारी की, और शादी के बाद से ही उसकी जो पत्नी है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ बातचीत कर रही थी और वो व्यक्ति वहाँ से आके फिर उसने पटवारी की हत्या की।